तस्वीरों में दिख रहे जीप में बैठे इस शख्स का नाम मोहम्मद वकास है। ये शख्स 10 साल तक कानपुर जेल में बंद रहा। दरअसल इस पर पाकिस्तानी जासूसों ने का आरोप था। अब ये 14 मई को वाघा बॉर्डर के रास्ते अपने वतन वापस जाएगा। इसकी सजा की अवधि इसी साल मार्च में खत्म हुई है। इसी के साथ वकास अपने परिवार के साथ ईद मना सकेगा। दरअसल वकास 2005 में वीजा लेकर कानपुर में भारत और पाकिस्तान का मैच देखने आया, जिसके बाद से वो पाकिस्तान नहीं लौटा तो भारत की एजेंसियों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन 2 साल तक वो गायब रहा। साल 2007 में वकास को बिठूर के एक इंटरनेट कैफे से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अदालत ने वकास को जासूसी के आरोप में 10 साल की सजा दे दी। अब सजा खत्म होने के बाद वो अपने वतन पाकिस्तान वापस लौट रहा है। हिंदुस्तानी अपराधियों के साथ रहने वाला ये पाकिस्तानी जासूस ये कहते हुए रवाना हुआ है कि हिंदुस्तानी लोगों का व्यवहार उसके प्रति बेहद अच्छा रहा है। वकास ने कहा कि पुलिस ने कभी भी मुझे पाकिस्तानी समझकर ट्रीट नहीं किया। उससे जब पूछा गया कि पाकिस्तान जाकर इमरान खान को यहाँ की अच्छाई के बारे में बताएगा, तो उसने कहा बिल्कुल हाँ। 14 साल है, कहाँ कहाँ मतलब जेल में? बाहर है? बाहर रहे हैं 4 साल, 10 साल जेल में रहे। तो यहाँ आए कैसे थे? वीजा पासपोर्ट से। घूमने आए थे क्या? जी। अच्छा, तो यहाँ क्या लगा, क्या अच्छा लगा? कुछ पाकिस्तान इंडिया में कुछ फर्क नजर आया? दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल। कैसे? बिल्कुल दोनों एक जैसे लग रहे हैं। कानून व्यवस्था के बारे में? कानून व्यवस्था तो ऐसा है कि वहाँ पर तो कानून वानून से कभी सामना नहीं हुआ अपना। सिंपल थे बिल्कुल व्यक्ति। अब यहाँ आके सामना होगा तो यहाँ पता लगा कानून क्या होता है क्या। देखिए 2009 में एक मैच था इंडिया और पाकिस्तान का, उस दौरान इसकी गिरफ्तारी की गई थी जासूसी के आरोप में। जासूसी के आरोप में उसे 10 साल की सजा हुई। उसके बाद 10 साल की सजा होने के बाद ये अभी फरवरी 2019 में छूटा है जेल से, और यहीं पर हमने इन्हें अपनी निगरानी में रख रखा था पाकिस्तान को देने के लिए। अब ये लेटर आया है इस संदर्भ में, 14 तारीख को उन्हें सुपुर्द करना है पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पे ले जाके छोड़ना जिम्मेदारी भारत सरकार की है। इसके लिए संपूर्ण जितने भी इंतज़ाम होते हैं सुरक्षा के, उनके मद्देनज़र इन्हें एक हाई सुरक्षा घेरे में लेकर के इनको वहां तक छोड़ा जाएगा और उसके बाद फिर अपनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।